तो गाइस मैं बनाने जा रही हूँ पूरी, और पूरी बनाने के लिए मैंने एक पूरी का डो तैयार कर लिया है। इस तरीके से डो तैयार करते हैं, ना ज़्यादा टाइट होता है पराठे का डो, थोड़ा टाइट ढीला होता है, और इसका पूरी का थोड़ा सा टाइट होता है। इस तरीके से परफेक्ट डो तैयार कर लिया है पूरी बनाने के लिए। चलते हैं गैस की तरफ। पूरी बनाने के लिए गैस गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और गर्म करेंगे। पूरी बेलने के लिए चका बेलन लेंगे, और जो डो तैयार किया था इसमें रखेंगे सूखा आटा, और इस तरीके से इसकी लोई को तोड़ लेंगे। थोड़ा सा बर्तन लगा लेंगे और गोल गोल करेंगे, इसकी लोई को तोड़ लेंगे। गोल बना लेंगे इस तरीके से, बराबर लोई बना लेंगे इस तरीके से गोल गोल। इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इसको बेल लेंगे। आप चाहें तो पूरी ऑयल से भी बेल सकते हैं, ऑयल से भी पूरी बेल कर दिखा रही हूँ मैं। ये पूरी गाइस मैंने गाय के लिए बनाई है। ऑयल की पूरी बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, इस तरीके से बर्तन आप नहीं लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बेल सकते हैं। तो ये पूरी इस तरीके से आप जितनी भी बनानी हो वे बना सकते हैं, इस तरीके से गोल बेलेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है और इसमें डालेंगे पूरी, पूरी जो बेली थी इसमें इस तरीके से डालेंगे, और इधर दबा के इस तरीके से पूरी बना लेंगे। जब तक ये सकते हैं रोटी डाल देंगे, और देख सकते हैं कितनी अच्छी पूरी है। जो मैंने पहले डाली थी उसको निकाल लेंगे, फूली पूरी है। पूरी को बना लेंगे। तो गाइस आप इस तरीके से पूरी बना सकते हैं। पूजा की पूरी मैंने बनाई है, बरगद की पूजा में जो पूरी लगती है, तो इस तरीके से मैंने ये पूरियाँ बनाई हैं, और बरगद की पूजा में ये गौर की पूरी बनाई है। तो इस तरीके से आप गाइस पूरी बना सकते हैं, फूली फूली पूरी। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है। और तो गाइस आपको पूरी की रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो आप पूजा में इस तरीके से पूरी बना सकते हैं, और खाने के लिए भी पूरी इसी तरीके से बना सकते हैं। कॉमेडी ऑप्शन में एक नया चैनल है जो शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी आप मेरे चैनल को देखिएगा और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज बनाने जा रही हूँ गाइस गोभी आलू की सब्जी। सो गाइस आपने गोभी आलू की सब्जी बहुत तरीके की खाई होगी, लेकिन आप स्पेशल तरीके जो मैं बनाने जा रही हूँ रसीली सब्जी। तो गाइस रसीली सब्जी किस तरीके से बनाते हैं वो आप पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ रसीली सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आपने नेक्स्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने सूखी सब्जी रसीली नहीं डाली थी, सूखी डाली थी गोभी आलू की। तो गाइस गोभी आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है गोभी, और मैंने लिए हैं आलू और टमाटर। सो गाइस गोभी के लिए छोटे छोटे महीन पीसों में कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करने के बाद आलू के छील कर जिस जो भी शेप देना चाहें उस तरीके से आप आलू का शेप दे सकते हैं, और टमाटर को काट लेंगे। तो टमाटर को गाइस धोकर काटिएगा, और इस काटने के बाद इसको धो लेंगे दो तीन पानी से। तो गाइस मिलते हैं सब्जी को काट के धोने के बाद। तो गाइस आप देख सकते हैं कि गोभी को मैंने इस तरीके से छोटे पीसों में काट लिया है, आलू को काट के इसको दो तीन पानी से धो लिया है, और धोने के बाद टमाटर को भी धोने के बाद इसको कद्दूकस कर लिया है। चलते हैं गैस की तरफ। गैस को ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद मैंने रखा है कुकर। कुकर गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच कड़वा तेल। तेल को गर्म करेंगे, तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हींग, आधा टीस्पून से कम हींग, 1 टीस्पून जीरा, टमाटर कद्दूकस किया हुआ। अब इसमें डाल देंगे गोभी आलू, अभी हल्दी नहीं डालनी है। अब
अब इसको चलाएंगे, गोभी आलू और टमाटर अच्छे से इसको भूनेंगे। टमाटर और गोभी आलू को अच्छे से भून लेंगे 5 से 10 मिनट तक की। अब ये भुन चुका है, गोभी टमाटर आलू अच्छे से मिक्स हो गया है और ये भुन गया है। भुनने के बाद अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 चम्मच मिर्च, 1 टीस्पून मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। मसाले डालने के बाद इसको चलाएंगे, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। अब इसको चलाएंगे, चलाने के बाद जब आप अच्छे से भुन चुका है, आप देख सकते हैं कि जब तेल छोड़ देता है कि आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आ रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं सब्ज़ी कितनी टेस्टी लग रही है। अब इसमें आप पानी डाल सकते हैं, जिस क्वालिटी रखें आप चावल से खाना है तो उस तरीके से वैसा थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, और इसे खाना है तो सूखी सब्ज़ी बना सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 गिलास पानी, 1/2 गिलास और ऐड करेंगे इसमें। सो गाइस देख सकते हैं कि मैंने इसमें 1.5 गिलास समथिंग पानी डाला है। अब इसको ढक्कन लगा देंगे, कुकर में, और इसमें 2 सीटी लगाने के बाद इसको 15 मिनट के बाद ही इसको खोलना है। मिलते हैं गैस से 15 मिनट के बाद। सो गैस कुकर में 2 सीटी आ चुकी हैं, गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। अब ये कुकर भी ठंडा हो गया है, कुकर को खोल के देखेंगे कि सब्जी कैसी बनी है। तो गैस आप देख सकते हैं कि सब्जी पक के परफेक्ट तैयार हो गई है, और ये रहा गोभी आलू की चटपटी मसालेदार सब्जी। इसको सर्व कर लेंगे, और सर्व करने से पहले डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च। हरी धनिया से गैस बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। सो गैस आप देख सकते हैं कि सब्जी बनके तैयार हो गई है, इसको सर्व कर लेते हैं। तो गाइस गोभी आलू की चटपटी मसालेदार सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी स्वादिष्ट लग रही है देखने में रसीली सब्जी। आपने सूखी सब्जी तो बहुत खाई होगी, लेकिन आप रसीली सब्जी इस तरीके से आप बनाइएगा। और ना ही मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च जो आती है वो भी मैंने नहीं डाली है, और इसमें कलर आप देख सकते हैं कि टमाटर से कितना अच्छा कलर आया है सब्जी में। तो गाइस जिस तरीके से आप बनाइएगा, और आप चाहें तो रोटी से खाइएगा, चाहें तो पराठे से खाइएगा, या चावल से खाइएगा। तो गाइस आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप नए मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और कम्युनिटी ऑप्शन में एक नया चैनल है जो मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी आप मेरे चैनल को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और इसमें आप देख सकते हैं कि ना ही मैंने प्याज लहसुन का इस्तेमाल किया है, और बगैर प्याज लहसुन की सब्जी चटपटी मसालेदार बन के तैयार हुई है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो गाइज, वेलकम बैक, न्यू वीडियो। आज बनाने जा रही हूँ गाइज मैं भिंडी, और भिंडी आपने बहुत तरीके की खाई होंगी, लेकिन अब मैं इस तरीके की बनाऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी बनेगी, बेसन वाली भिंडी। जो बेसन वाली भिंडी गाइज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बनाने के लिए मैंने भिंडी ली है 1/2 किलो, और इसको मैंने 2-3 पानी से धो लिया है। धोने के बाद ये डोलची में रख ली है, और डोलची में रखने के बाद इस तरीके से ये इसको सुखा लेंगे पानी, इसका अच्छे से सूख जाएगा। और मैंने लिए है 1 अमिया और प्याज, 1 प्याज लिया है। तो गाइस भिंडी को अच्छे से काट लेंगे, जो भी शेप देना चाहें, आप चाहें तो लंबे आकार में भी काट सकते हैं। और प्याज के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, और अमिया के भी छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। भिंडी अगर आप इस तरीके से कटिंग कीजिएगा, पहले ऊपर की डंडी को इस तरीके से निकाल देंगे, और इसकी नोक जो है ये भी इस तरीके से निकाल देंगे। तो गाइस दोनों तरफ से मैंने निकाल दिया है। अब इसको चाहें तो आप गोल शेप में कटिंग कर सकते हैं इस तरीके से, और या आप लंबे आकार में भी कटिंग कर सकते हैं इस तरीके से। लंबे आकार में आप कटिंग करिएगा, और या आप गोल शेप में, जो भी आपको अवेलेबल सुविधा लगे, और देखकर काटिएगा भिंडी को। भिंडी में गाइस कीड़े भी होते हैं, तो गाइस मैंने तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सही से ली है कि इसमें बिल्कुल साफ़ है भिंडी, मगर फिर भी आपको देख के ही काटनी चाहिए भिंडी। तो गाइस भिंडी को मैं अच्छे से काट लेती हूँ, और अमिया को काट लेती हूँ, और प्याज को। मिलते हैं गाइस कटिंग करने के बाद।
गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने भिंडी के इस तरीके से पीसेस किए हैं, एक भिंडी के तीन पीसेस किए हैं। तो गाइस इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है, और मियाँ की कटिंग कर ली है और प्याज की कटिंग कर ली है। चलते हैं गाइस गैस की तरफ, बनाएंगे चटपटी मसालेदार भिंडी। गैस को ऑन करेंगे, ऊपर कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई को गर्म करेंगे, और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेसन। अब इसको भूनेंगे। इसको गुलाबी होने तक का इंतजार करेंगे। और बेसन को इस तरीके से भूनेंगे, जो बेसन की जो कुटली होती है, इसमें लम्स न रहें। अभी बेसन गुलाबी हो चुका है, अब इसको निकाल लेंगे। इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है बेसन की। तो बेसन को इस तरीके से इसी बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरीके से बेसन को मैंने भून लिया है और इसको अलग निकाल लिया है। कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। ऑयल गरम हो गया है, और जो भिंडी मैंने कटिंग करके रखी थी, भिंडी को इसमें डाल देंगे। भिंडी को फ्राई करेंगे, गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और इसको 5 मिनट तक इस तरीके से फ्राई करेंगे। क्योंकि इसमें फ्राई करने से क्या रहता है गाइस, जो इसमें चिपचिपाहट होती है भिंडी की, वो निकल जाती है। इस तरीके से इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो गाइस 5 मिनट हो चुका है, इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसको भी निकाल लेंगे, उसी बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें भिंडी मैंने रखी थी। इस तरीके से तो गाइस इस तरीके से मैंने भिंडी को फ्राई कर लिया है। वापस चलते हैं कढ़ाई पे, फिर कढ़ाई पे डालेंगे ऑयल। तो गैस ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेनी है, इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच ऑयल। ऑयल को अच्छे से गरम करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को गुलाबी होने तक का भूनेंगे। प्याज को बस ज़्यादा नहीं भूनना है, इस तरीके से गुलाबी, बस इस तरीके से आप देख सकते हैं कि गुलाबी हो गया है और इसका पानी मर गया। और ज़्यादा करेंगे तो ये जल जाएगा, क्योंकि भिंडी बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगी। तो अब ये जो मैंने भिंडी ली है वो इसमें ऐड कर देंगे। फिर वापस इसको भूनेंगे। अब भिंडी में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, इसको चलाएंगे। तो मैंने अमिया के पीसेस लिए हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो अमिया, अगर नहीं है तो आप खटाई पीसी हुई ले सकते हैं, आमचूर पाउडर। और जो मैंने बेसन भून के रखा हुआ था, ये आप देख सकते हैं कि बेसन
और बेसन इसके ऊपर डाल देंगे। बेसन से गाइस टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है हिंदी में तरीके से। अब इसमें डालेंगे गाइस टर्मरिक पाउडर आधा टीस्पून से कम। टर्मरिक पाउडर गाइस सबसे लास्ट में डालना है। अब आप देख सकते हैं कि मिर्ची का कलर कितना खुल के आया है। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और इसको ढक देंगे। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो गाइस 5 मिनट हो चुका है, अब इसको खोलेंगे ढक्कन। चलाएंगे गैस को हाई फ्लेम पर कर लेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे क्योंकि इसमें पानी है नहीं, पानी तो नहीं डाला है भिंडी में, और इस तरीके से इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो हम गैस के देखते हैं भिंडी पक के तैयार हो गई है। भिंडी को सर्व कर लेते हैं। ये रही चटपटी मसालेदार भिंडी। बगैर पानी की भिंडी भी बनी है गाइस, मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है। आप चाहें तो पानी की हल्के से छींटे डाल सकते हैं इसमें थोड़ा सा। पानी से थोड़ा सा गीली हो जाती है भिंडी। अगर गीली पसंद है आपको तो हल्के से पानी यूज कीजिएगा, वरना अगर आपको सूखी पसंद है तो पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा। अमिया जो है वो भी अच्छे से पक गई है अमिया और घुल गई है, तो सर्व कर लेते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कि भिंडी को मैंने सर्व कर लिया है और ये चटपटी मसालेदार भिंडी आपको देखने में कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है, मैं तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। और इस तरीके से आप ज़्यादा ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं किया है, इस तरीके से परफेक्ट ऑयल का इस्तेमाल किया है, ज़्यादा नहीं कि इस तरीके से बहता हो। और इस तरीके से भिंडी बनके तैयार हो गई है चटपटी मसालेदार। और इस आप इसको रोटी से खाइएगा, चाहे तो पराठे से खाइएगा, चावल से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और आपको भिंडी की रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। कम्युनिटी ऑफ चैनल नया चैनल है जो मैं शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ, उसमें भी जाकर आप मेरे चैनल को देखिएगा और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और खाइएगा भिंडी। जय श्री कृष्णा। तो चटपटी कुरकुरी मसालेदार भिंडी बेसन की बनी हुई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।